One. Go. Happy birthday. ये ना हमें हमारी बहन ने दिया हुआ है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खुश खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर से। कर दिया, जल्दी से कर लो। आज रात 12 बजे आपके भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे, समझ रहे हो? मैंने आपको कल बोला था कि केक लेने जा रहे हैं, तो उसी लिए केक था। अभी लाना है केक और मैं जा रहा हूँ अकेला ही। अभी मम्मा आ रही है, मम्मा को थोड़ा सा काम है बाजार में, तो उनसे भी पूछते हैं कि क्या काम है, वो काम भी ख़त्म कर दे। और ये आगे ये बंदा ना मेरा वीडियो बना रहा है, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। यार इधर से ही उठा लेना जब इतनी ज़रूरत है। अभी हम जा रहे हैं उधर ही, थोड़ा लेट ही उठे, कोई 12:30 उठे, लेट ही उठे, खाना वाना खा के अभी निकले हैं बाहर। अभी थोड़ा क्रिकेट भी खेला सुबह सुबह, आज क्रिकेट खेलने आ गए थे ये लोग, बट इनको बॉल ही नहीं था तो क्रिकेट स्टार्ट लेट से हुआ। चलते हैं फिर, चलें तो चलें। हम निकल चुके हैं बाजार के लिए, अच्छी खासी धूप हो रखी है, ठंड उतनी नहीं है, मतलब मुझे अच्छी लग रही है, गर्मी अच्छी लग रही है। सब बच्चे आज विंटर में ना एक ही काम है सबको, और वो है कि क्रिकेट खेलो, बस क्रिकेट खेलते जाओ। ये देख लो। मैं शोपियन के लोगों को कहना चाहता हूँ कि इतना शायद मत हो कैमरे से, कोई आपको मतलब ना कुछ बोलेगा नहीं या आपका मजाक नहीं बनाएगा। मजाक वो लोग बनाते हैं ना जिनका खुद मजाक बन रहा होता है, वो लोग मजाक बनाते हैं दूसरे का, बाकी कोई नहीं मजाक बनाता। लड़कियों को कैमरा से ना दूर ही रखता हूँ, तो लड़कियों को कैमरा के सामने मतलब कश्मीर में आना अच्छा नहीं है। विदाउट परमिशन कभी भी किसी लड़की को ना कैमरा के सामने मत लाना, लड़कियों को थोड़ा कैमरा से दूर ही रखो। अगर उनकी परमिशन है तो तभी कैमरा के सामने लड़की को लाना, वरना लड़की को कैमरा के सामने नहीं लाना। अच्छी खासी रोड सूख चुकी है, ये देख रहे हो। अभी ना मैंने गाड़ी की सर्विस करवानी थी यार, हमारी गाड़ी में आपको पता ही अलॉय लगे हुए, और अलॉय की वजह से ना गाड़ी गंदी हो जाती है बार बार गाड़ी गंदी हो जाती है, तो मैं नहीं चाहता कि ये बार बार गंदी हो। जब रास्ता सूख जाएगा उसके बाद हम गाड़ी की फुल सर्विस करवा देंगे अच्छे से। हमारा हेलीपैड, कड़क धूप हो रखी है, क्या व्यू है ना यार, क्या व्यू है। ये रास्ता ये आगे आपको मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया होता था, मतलब पीर के लिए वगैरह, वो तो आपको आपने देखा हुआ है। बाकी ये कुछ ऐसा व्यू है हमारे हेलीपैड का, और ये तो पता ही है, ये है पापा का ऑफिस, और ये जाता है मार्केट को रास्ता, और यहाँ से आगे एक रास्ता जाता है मुगरोड़ को, एक जाता है अहरबाल को। हमारी गाड़ी बहुत ही गंदी हो चुकी है, बहुत गंदी, ये देख रहे हो कितनी गंदी हो चुकी है ना, कसम से बता रहा हूँ। एलॉय की वजह से ना देखो छींटे कहाँ तक आई हैं, ये देखो कितनी छींटे हैं ना, और मिरर में आपको आपका भाई दिख रहा होगा। मेरी छोटी कज़न है ना, वो परसों लकड़ी लेके आ रही है, ठीक है, छोटी सी लकड़ी है उसके हाथ में, और उसको पता नहीं है कि सुबह सुबह मैं गाड़ी में हूँ। मैं गाड़ी में बैठा था, मैं पापा को लेने जा रहा था सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, कोई 8:30 बजे, तो वो आ रही है, वो यहाँ से इसको यहाँ पे लकड़ी रख के ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे लकीर मार रही है, क्योंकि यहाँ पे गंदगी थी ना तो निशान लग रहा था। मैं गाड़ी में सोची यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो लगी हुई है। फिर मैंने डांटा, मैंने कहा ऐसा नहीं करते हैं, इसका कलर वगैरह ख़राब हो जाएगा, आपको पता ही नई गाड़ी है। तो फिर उसने सॉरी वारी बोला, तो मैंने कहा मतलब समझाना चाहिए यार बच्चों को, मतलब आज आपकी गाड़ी में कर रहे हैं, कल किसी और की गाड़ी में भी कर सकते हैं ना। हमें ना दो केक लाने हैं, अभी इस टाइम पे तो हम एक ही लाएंगे, दूसरा केक हम कल लेके आएंगे, क्योंकि दूसरा केक ना हमें फ्रेंड्स के साथ मतलब सबके साथ काटने में। अभी आए थे केक लेने के लिए, मैं ना कैमरा को गाड़ी में रख देता हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई और है नहीं, तो बाद में शूट करेंगे मतलब केक का, ठीक है, अभी रखता हूँ मैं कैमरा यहीं पे, बाद में। एक हमने ना केक ले लिया है, और ये रहा हमारा केक, इसके नीचे पॉलिथीन देख रहे हो इधर, इसमें ना बैलून वगैरह है, जो भी मतलब हमसे डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए था वो सारा हमने ले लिया है। अभी ना थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा है क्योंकि केक ना ऐसी सीट पर रखा हुआ है, सीट पे रखा हुआ है, अगर ये थोड़ा सा भी उधर इधर मोड़ में गया ना और सारा नुकसान हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, 30-40 स्पीड पे चलते हैं तो ठीक रहेगा, बट जंप हमें नहीं दिखाना, अगर हमने कहीं पे भी जंप दिखाया और खेल खलास, ठीक है। तो आप वेट करें थोड़ा सा, मेरे को घर पहुँचने दें, उसके बाद मिलते हैं ना। फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर, पूरा 1 घंटा लग गया भाई, कसम से बता रहा हूँ, 1 घंटा लग गया पूरा घर तक पहुँचने में, समझ रहे हो, क्योंकि आगे ना रोड में जंप वगैरह काफ़ी थे, तो और एक जगह पे फ्रेंड से रुका, और हमारा ये पुराना हेलमेट, किस किस को याद है हेलमेट बताना मुझे, तो ये पुराना हेलमेट हमारा उसके पास था, इसमें ना माउंट वगैरह लगा हुआ था, तो उसकी हमें ज़रूरत थी आगे। तो अभी निकालते हैं गाड़ी में से सामान वगैरह, सब कुछ निकालते हैं, कार्ड वगैरह उठा लेते हैं, और ये हमारे जहाँ से केक लाया ना उन्होंने ये दिया है, हमें गिफ्ट दिए सुना, उन्होंने बोला कि ये ज़रूर केक के ऊपर लगाना था शाम को, तो मैंने कहा सही है तो लगाते। तो अभी पहले ना केक अंदर लेके चलते, रूम को भी सजाना है यार, मैं नहीं सजा रहा, मेरे को काम करना नहीं आता वैसे कुछ, मेरे को बस पकाना अगर है ना कुछ मीट वगैरह अगर पकाना है आपको तो वो काम मैं कर सकता हूँ, बाकी मेरे से कोई काम नहीं आता वैसे।
बाकी ये सब काम मुझे नहीं आता, सिस्टर को देते हैं, देखते हैं कि वो क्या करती है। छोटी बहन तो है हमारे पास, ये सब काम देखने के लिए। जो बंदा मिल रहा है ना, कसम से एक ही बात बोल रहा है कि भाई बाइक लेके आओ, बाइक लेके आओ। तो उनसे कहा मैंने, उनको दिलासा दे रहा हूँ कि आएगी आएगी बाइक आएगी, आई डोंट नो कब आएगी, बट उनको बोल रहा हूँ कि हाँ बाइक तो आएगी। सो ये है हमारा केक, अच्छे से देख लो, यो भी 47। वरना ना मैंने अपना नाम लिखाना था, बट मैंने सोचा कि लियो नहीं उठाया तो लिए ही बिगाड़ेगा। रूम की थोड़ी डेकोरेशन कर रहे थे, बट सीन ऐसा हुआ कि अमान को तो जानती होंगे जो पंदे ना पहले चैनल पे व्लॉग देखते थे ना, अमान को जानती होंगे, छोटा सा है बट हमारी बाइक चलाता था, लियो को चलाता था कभी कभी। उसको लेने जा रहा है और भी दो तीन बच्चे हैं शायद आने वाले। अभी मामू वगैरह को कॉल किया, वो मेरा ना कज़न है, मतलब ममेरा भाई है, और छोटी छोटी ममेरी बहनें हैं वो भी आएंगी। ये मम्मा, आज ना मम्मा भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि कल वो दिन है जिस दिन मतलब ना उन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया था। बहुत थैंकफुल हूँ कि ऐसे पेरेंट्स मिले मुझे जिन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। मैंने भी उनसे कभी ऐसी चीज़ डिमांड नहीं रखी कभी भी, कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आप समझ ही सकते होंगे कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना मुश्किल होता है चीज़ें अफोर्ड करना। फिर भी मेरे डैड ने, मेरी मॉम ने हमेशा मेरा ख्याल रखा, हमेशा जब भी मैंने कोई चीज़ मांगी तो मुझे आके दी। थैंक्स टू माई डैड, थैंक्स टू माई मॉम एंड थैंक्स टू माई गॉड, कि क्या ही बताऊँ। ठीक है तो चलते हैं फिर, उनको छोटे बच्चों को लेके आते हैं। शाम हो रही है, अभी शाम की नमाज हो रही थी और मैं निकल आया घर से 6:21 में। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ से जाना है, वहाँ से आना है, तो चलते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे। पहुँच चुके थे नानिहाल, आ चुका है अमान को दिखा देता हूँ, कौन कौन जानता है इस बंदे को। अमान क्या शुकाना आपसे, कुछ जगह सुन, कहाँ जाना है आपको? चक पे जाना है। क्या करने? केक खाने। आज बर्थडे किसका है? आपका। मेरा नाम क्या? साहिब भैया। तो इसको भी पता है कि हमारा बर्थडे, तो इसको देखा ही होगा पिछले व्लॉग में है ना, तो उसको बाइक चलावा। हाँ? बाइक चला मेरी बाइक चला, इसको उर्दू नहीं आती है उतनी ज्यादा। तू कौन से स्कूल में जाता है? बचपन बचपन स्कूल में जाता है, सबको बोलता फिरता है कि मैं बचपन स्कूल में जाता हूँ, वहाँ पे ना छोटे बच्चों को पढ़ाते भी हैं और उनको गेम्स वगैरह खिलाते हैं, उनका मन लगा रहता है स्कूल। कैसे तुझे आपको ना एक अच्छी सी चीज दिखा देता हूँ, अच्छी सी बहुत प्यारी चीज दिखाने वाला हूँ, ठीक है देखो। ये ना हमें हमारी बहन ने दिया हुआ है, इट्स लियो बी 47 बोलते हैं भाई। ये देख रहे हैं ये कलर जो हाथों में लगा हुआ है, ये हाथों में ना ये इसका कलर है, केक का कलर है, और ये सब बच्चे खा रहे हैं अभी, केक खा रहे हैं, सब लगे हुए हैं भाई, सब लगे हुए हैं। और यहाँ पे हमारा गोप्रो साइड में बैठा हुआ है, तो ठीक है बाय बाय। ना धूप चुने ना छाँ, कैसे तेरी खुद मर्जी।